यूपी के बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा में मास्क नहीं लगाने पर यहां बैंक गार्ड ने एक रेलवे के कर्मचारी को गोली मार दी। रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि आरोपी गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहां हैरानी वाली बात ये है कि गोली मारने के बावजूद भी गार्ड को उसका कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो रेलवे कर्मचारी को जेल भिजवाने की बात कर रहा है। दरअसल रेलवे कॉलोनी निवासी राजेश राठौर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पासबुक में एंट्री करवाने के लिए शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा गए थे। राजेश की पत्नी प्रियंका राठौर ने बताया कि राजेश ने मास्क नहीं पहना था, इसलिए गार्ड ने उन्हें बैंक में नहीं जाने दिया। राजेश घर से मास्क लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद भी गार्ड ने उन्हें बैंक में नहीं जाने दिया और गोली मार दी। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर शहर कोतवाली पुलिस, एसएसपी और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि किसी बात को लेकर गार्ड और रेलवे कर्मचारी में कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से उसने राजेश को गोली मार दी। राजेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आरोपी गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।